चोरी में रंगे हाथ पकड़े गए तीन चोरों को भेजा जेल। आपको बता दें कि खटीमा कोतवाली क्षेत्र के टिगरी इलाके में निर्माणाधीन मकान में रंगे हाथ चोरी करते पकड़े गए तीन चोरों को खटीमा पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। पूरे मामले के अनुसार टिगरी इलाके के सेंट जेवियर स्कूल के पास बन रहे निर्माणाधीन मकान में सरिया व अन्य सामान चोरी करने गए तीन युवकों को मकान मालिक भूपेंद्र सिंह पोखरिया व स्थानीय लोगों ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया था। चोरों के पास से मकान से चोरी की गई सरिया व वाइब्रेट मशीन बरामद हुई थी। वहीं मकान मालिक के द्वारा तीनों ही चोरों को चकरपुर पुलिस चौकी इंचार्ज प्रियांशु जोशी के सुपुत्र किया गया था। वहीं कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले में एक मकान मालिक की तहरीर पर खटीमा वार्ड नंबर 5 नूरी मस्जिद इस्लाम नगर निवासी रिहान अरवाज एवं अफसर अली के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दिनांक 5 अगस्त 2022 को भूपेंद्र सिंह पोखरिया बुरई टिगरी निवासी है, इनके द्वारा तीन अभियुक्तों को उनके निर्माणाधीन मकान में चोरी करते हुए जिसमें रिंग है लोहे के रिंग और वाइब्रेट मशीन को पकड़ा गया था, जिनके द्वारा इस संबंध में थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकरण के द्वारा अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया।